हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर का नाम है रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड ऑफ लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। बेसिकली संविधान का क्या रोल है और हमें लॉ मतलब होता है कानून, कानून की क्यों ज़रूरत है। बेसिकली इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले ज़रा डेफिनेशन को स्टडी करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिंपल सा और बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, वो है ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस विच अ स्टेट और कंट्री इज गवर्न। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पूरा एक बॉडी है किस किस चीज़ों का, रूल्स का, लॉज का और प्रिंसिपल्स का। मतलब रूल्स मतलब होता है नियम, लॉ मतलब होता है कानून और प्रिंसिपल्स मतलब होता है सिद्धांत। क्योंकि अगर किसी देश को चलाना हो तो हमें कुछ सिद्धांत बनाने होंगे, क्योंकि लोग आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर अगर सिद्धांत वही रहेगा। सिद्धांत होता है कि मतलब हमारा उद्देश्य क्या है, दैट मीन्स एम क्या है। एम एक ही होना चाहिए, फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, क्योंकि वो सरकार लोगों का होता है। तभी लोग डेवलप करेंगे, लोग अच्छे रहेंगे तो सीधी सी बात है देश अपने आप डेवलप करेगी। इसी विषय पर ये टॉपिक है, ये चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इट रेगुलेट्स द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू विच लॉ इज़ फॉर्मुलेटेड। तो कोई भी कानून बनने से पहले ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि भाई किस प्रिंसिपल के आधार पर हम कानून को बना रहे हैं, और साथ ही साथ देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिगार्डेड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इसीलिए उस पूरे क्षेत्र का, उस पूरे टेरिटरी का जो सुप्रीम होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। किसी एक के हाथ में कभी भी पावर नहीं रहता। अगर एक के हाथ में पावर रहे तो ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट हो ही जाएगा। हो सकता है वो मोनार्की हो जाए, हो सकता है या फिर वो तानाशाह हो जाए, या फिर हो सकता है उस पावर का दुरुपयोग हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है कि पावर को बटने नहीं देगा, पावर को गलत जगह जाने नहीं देगा, पावर का गलत इस्तेमाल होने नहीं देगा, और अगर कोई गलत इस्तेमाल करेगा भी तो उसके लिए भी कानून बनाए जाएंगे जिसके तहत वो दोषी करार दिया जाएगा और उसको सज़ा भी मिलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग एक छोटा सा पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, भाई कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है इक्वालिटी, सबको बराबर रूप से रिसोर्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पर तीन लड़के हैं, तीन बच्चे हैं, हाइट के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस है, मगर तीनों को एक एक बॉक्स दिया गया है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का भाई डेफिनेशन पे बिल्कुल खरा उतरा है कि भाई डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो भाई सबको बराबर मिलना चाहिए। नहीं, बराबर मिलने से भी जो फ़ायदा इस जगह पर होना चाहिए था वो फ़ायदा इस जगह पर नहीं हो पा रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा से खासकर वैसे ग्रुप के लिए ज़्यादा महत्व रखता है जो पिछड़े होते हैं, जो छूटे हुए होते हैं, जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है केयर की। तो ये रहा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो रूप है, ये तो ऑलरेडी इतना हाइट है कि इसको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से मैच दिख ही रहा है। इसको भी दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बक्सा इसके लिए काफ़ी है, लेकिन दो बक्से की ज़रूरत इस बच्चे को है क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी छोटी है। इस तरीके से अब ये तीनों एक लेवल में आ गए और ये तीनों मैच का आनंद ले सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का रोल कुछ इसी टाइप से है। चलिए हम लोग आगे चल के थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा सा ये समझते कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का क्या है, कैसे आया। तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत बड़ी खूबी है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड इट वॉज़ रेटिफाइड ऑन 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में ही, मगर केम इन टू एग्जिस्टेंस मतलब लागू किया गया 26 जनवरी 1950 का एक बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि लाहौर सेशन में कांग्रेस ने 26 जनवरी को पूर्ण आज़ादी घोषित कर दी थी, पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया गया था। इसलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब 26 जनवरी से ये देश लोगों का हो गया, रिपब्लिक, पब्लिक क्या गया। चलिए थोड़ा सा और आप लोग को
फ़र्क समझाते हैं कि हम लोग का कंट्री 1947 में ही आज़ाद हो गया था, मगर हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग रिपब्लिक डे जो मनाते हैं वो 1950 से मनाते हैं। ये जो गैप है 2 साल 11 महीना 18 दिन का जो गैप है, ये 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में। इस समय इसको तैयार करने के लिए एक कमिटी बनाई गई, जो मेंबर्स चुने गए वो मेंबर्स को पूरे दुनिया ये लोग घूमे, पूरी दुनिया घूम के अलग अलग देशों के अलग अलग नियमों को इकट्ठा किया जो हमारे देश के लिए बेस्ट सूटेड था। तो ये काम को करने में इन्हें 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस समय तक 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन अब प्रेजेंटली 448 आर्टिकल्स हो गए हैं और 12 शेड्यूल्स हो गए, साथ ही साथ 98 अमेंडमेंट्स है। अमेंडमेंट का मतलब होता है पुराने कानून में बदलाव, कि चूँकि समय के साथ लोगों की सोच, धारणा, रहन सहन सब चीज़ों में परिवर्तन आता है, तो इसके हिसाब से इसमें भी परिवर्तन लाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है हम लोग इसमें देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन ऐसा है इसका बहुत सारा जवाब हो सकता है, मगर मैंने अपने हिसाब से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही रखे हैं, कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स रखे हैं जो शायद मेरे हिसाब से बहुत ही ईजी है और समझ में आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द फंडामेंटल नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, क्यों है? तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का जो फंडामेंटल नेचर है, जो हमारे देश का जो प्राकृतिक नेचर है, हमारे देश का जो उद्देश्य है उसको क्लियरली डिफाइन करता है और हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम को भी क्लियरली डिफाइन करता है। नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडियन यूनियन टू बी सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स है, ये हमारे देश के प्रियम्बल में भी लिखे हुए हैं। सोशलिस्ट का मतलब सामाजिक है, हमारा देश पूरी तरीके से सामाजिक है। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष है, किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करता, ना किसी के अगेंस्ट जाता है। डेमोक्रेटिक का मतलब हमारे देश का जो सरकार बनाने की जो तकनीक है, जो मेथड है, वो पूरी तरह से लोगों के हाथ में है। लोग अपना सरकार अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू बनाते हैं। एंड रिपब्लिक हो गया मतलब हमारे देश पूर्णतः किसी भी बाहरी शक्ति से फ्री है, हम अपने देश का सभी जो डिसीज़न है उसको खुल के ले सकते हैं, अपने देश के लिए डिसीजन लेने के लिए हम स्वतंत्र हैं। रिपब्लिक का मतलब यही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्लेस टू गारंटी ईच ऑफ इट्स सिटीजन जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड प्रोमोट फ्रैटर्निटी अमंग देम ऑल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गारंटी लेता है कि हर एक नागरिक को जस्टिस मिले, न्याय मिले, इक्वालिटी समानता मिले, लिबर्टी आज़ादी मिले एंड प्रोमोट फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। चूँकि हमारा देश एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, वे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के लोग, भाषा के लोग, धर्म के लोग, ट्रेडिशंस के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उन सब के बीच में भाईचारा बना रहे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये भी लक्ष्य है। इससे क्या होगा, पूरे देश के समाज में शांति बनी रहेगी और शांति रहेगी तभी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाइज एंड डिफाइंस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, दैट मीन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियरली बता देता है कि भाई पावर और फंक्शन क्या होगा, क्योंकि हमने अपने गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन्स में बांट के रखा हुआ है। एक है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन है। तीनों ऑर्गन का अलग अलग काम है, तीनों एक दूसरे के काम में कभी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते। तीनों के पावर्स अलग है, तीनों के फंक्शंस अलग हैं, तो लेकिन तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं, एक मेन एम को पूरा करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही काम है, वो सबके पावर फंक्शन सब अलग अलग कर दिया है। साथ ही साथ इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन देम, इन तीनों को एक दूसरे से जोड़ के भी रखा है। इट ऑल्सो सेफ गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय द इलेक्टेड मेंबर्स एंड बाय एनी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पावर जिसके पास आ जाए उस पावर का मिसयूज हो सकता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये बहुत बड़ा एम है कि वो अपने पावर को मिसयूज होने नहीं दे सकता है,
तो उसके लिए भी उसने बहुत सारे प्रावधान बनाए हैं, बहुत सारे कानून नियम बनाए गए हैं कि भाई आपको इस नियम के दायरे में रहकर ही काम करना है। पावर भी मिला है बट पावर को यूटिलाइज करने का नियम और दायरा भी मिला है। चलिए नेक्स्ट है, इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल। घुमा फिरा के ये इतना सारा काम इसलिए किया गया है ताकि गवर्नमेंट और पीपल, सरकार और लोगों का जो रिलेशनशिप है वो मजबूत हो सके। नेक्स्ट है, इट लेज डाउन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ सरकार का ड्यूटी और फंक्शन नहीं बताता है, साथ ही साथ सिटीजन का क्या फंक्शन होना चाहिए वो भी बताता है। सिटीजन्स को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और सिटीजन्स के क्या ड्यूटीज़ होने चाहिए वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। नेक्स्ट है, इट मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमने उस फिगर के थ्रू ये देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली कुछ खास प्रोविजंस, कुछ खास फैसिलिटीज़ देता है ताकि प्रोटेक्शन मिल सके और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, इंटरेस्ट की भी रक्षा हो सके जो हमारे समाज में बहुत ही वीक पोजीशन पर है, मतलब जो कमज़ोर अवस्था में है। चलिए नेक्स्ट है, नीड ऑफ लॉ। भाई लॉ की क्या नीड है हमारे सोसाइटी में, हम लोग उसको देखेंगे कि लॉज आर द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी। भाई बिना कानून का सोसाइटी नहीं चल सकता है। अगर कानून नहीं रहेगा ना तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में अगर कुछ अच्छा चीज़ खाना पका हो, आपके इस घर के साइड में, घर के पास में या घर के बाहर का कोई भी आदमी वो उठा के लेकर चले जाए। वो ऐसा इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि हमारा देश कानून के हिसाब से चलता है और हर एक प्रावधान के लिए, हर एक काम के लिए कानून बनाए गए हैं। तो लॉ हमारे देश का इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल मतलब अंदरूनी शक्ति है लॉ। लॉलेस स्टेट वुड बी अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर क्रिमिनल एक्टिविटीज। जाहिर सी बात है, जहाँ पर कानून नहीं होता है, जहाँ पर कानून का पालन नहीं होता है, वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए भाई पनपने का जगह हो जाता है। एंड सोशल लेवल्स, जाहिर सी बात है उस जगह पर सोशल लेवल पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होंगे ही होंगे। इस जगह पर लेवल नहीं होना चाहिए, एविल्स होना चाहिए, एविल होना चाहिए। एविल मतलब गंदगी, शैतानी हरकतें, शैतानी काम, गलत काम। नाउ इट विल ऑल्सो अलाउ द पावरफुल टू सप्रेस द वीक सोसाइल, वीक पीपल या सोसाइटी या ग्रुप विदाउट बींग पनिश्ड फॉर द सेम। अगर कानून नहीं रहेगा तब तो भाई सीधी सी बात है, जो पावरफुल होंगे वो कमज़ोरों पे अपना अत्याचार जारी रखेंगे, कमज़ोरों को दबाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, सीधी सी बात है। इसलिए कानून का बहुत बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट है, देयरफोर वी नीड लॉज टू प्रोटेक्ट अस एंड एंश्योर द ओवरऑल सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। सीधी सी बात है, लॉ रहेगा तभी हमारा प्रोटेक्शन भी होगा और ओवरऑल सेफ्टी भी होगा और वेलफेयर भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा जाएगा कि सोशल एविल लाइक डाउरी, फीमेल फर्टिसाइड, चाइल्ड लेबर, ये तो हमारे देश में आज भी एग्जिट करते हैं। ऐसा नहीं कि ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, मगर एक समय था ये बहुत पीक पर था। और जब से इसके अगेंस्ट में, इसके विरुद्ध में कानून बनाए गए, इन मामलों में कमी आई है। लोग अब छुप के ये काम करते हैं, मगर जो भी पकड़े जाते हैं उनको सज़ा भी मिलती है। सो हैव बिन एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बट द लॉ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एंडिंग दीज एविल प्रैक्टिसेस। जाहिर सी बात है, फीमेल फर्टिसाइड बिल्कुल ख़त्म हो गया है, फीमेल फर्टिसाइड अब बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, अगर चोरी छुपे अगर कहीं भी होता है, कहीं भी अगर ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो उसका पूरा का पूरा लैब, दुकान, क्लिनिक सब पूरी तरीके से बंद हो सकता है, बंद होता भी और उसको कानून के हिसाब से सज़ा भी मिलती है। तो हमने ये देखा कि भाई लॉ का कितना बड़ा रोल है। लॉ हमारे जीवन को सही ढंग से सपोर्ट करता है, हमें खुल के जीने की आज़ादी देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल लॉज। जाहिर सी बात है, जितने भी कानून बनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ही बनाता है, इसलिए वो प्राइमरी सोर्स हुआ। सो लॉज ऑफ ए कंट्री आर द बाइंडिंग ऑन एवरीवन। कानून ही हमें एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के आगे सभी कोई बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। नो वन इवन द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट, यहाँ तक कि देश के इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट भी कानून के आगे कुछ नहीं है।
सबको कानून मान के ही चलना होगा। अगर आप कानून तोड़ते हैं तो उस तोड़ने के जगह पर जो सज़ा दी गई है, तय की गई है, वो सज़ा भी आपको भुगतना पड़ेगा। एंड इट इंश्योर्स द कंट्री इज नॉट गवर्न बाय द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बट बाय द लॉ। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये हमेशा बता के रखता है कि भाई कोई भी देश प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं चलाता है। कोई भी देश या राज्य को, कोई भी सरकार को कौन चलाता है? वो है लॉ, कानून चलाता है। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। भाई लॉ के क्या रूल है? सिंपल वर्ड्स में हम लोग जानेंगे। इट एंश्योर्स दैट द कंट्री इज नॉट गवर्न बाय द पॉलिटिकल लीडर्स बाय द लॉ बट बाय द लॉ। मतलब पॉलिटिकल लीडर्स का देश को नहीं चलाते, देश को तो कानून ही चलाता है। नेक्स्ट है इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ द पीपल एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है लॉ हमेशा से लोगों के अधिकारों को रक्षा करता है और गवर्नमेंट का पावर को भी लिमिट कर देता है, क्योंकि गवर्नमेंट वही काम करेगी जो कानून के दायरे में होगा और लोगों की भलाई के लिए होगा। और ऐसा भी नहीं है कि भाई चार लोगों की भलाई कर रहे हैं उससे दो लोगों का नुकसान हो रहा है, वैसा भी कानून कभी भी परमिशन नहीं देगा। सबका ओवरऑल भलाई होना चाहिए, या तो सबका भलाई होगा नहीं तो किसी का नहीं होगा, ये कानून का मकसद होता है। और ये कोशिश की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भलाई या अच्छाई या वेलफेयर पहुँचाई जा सके। नेक्स्ट है द रूल ऑफ लॉ इज़ टू कंट्रोल द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। जाहिर सी बात है अगर डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है तब तो भाई रूल ऑफ लॉ को स्मूथ फंक्शनिंग होना ही होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। ये है लॉ एंड डिसेंट। तो लॉ एंड डिसेंट क्या होता है देखेंगे। लॉज आर मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। बट फ्रॉम टाइम टू टाइम पीपल आर कंपेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट लॉज दैट आर हार्मिंग ऑन देयर फ्रीडम और गो अगेंस्ट द लार्जर पॉपुलेशंस इंटरेस्ट ऑन द सोसाइटी। सही बात है, देश के लिए कानून बनाया जाता है। कानून अक्सर क्या करता है? कानून ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए भलाई का काम करता है, लेकिन कभी कभी कानून में क्या होता है ना, थोड़ा सा कभी कभी, अभी मैंने थोड़ा देर बताया कि समाज के एक सेक्शन में तो कानून बहुत अच्छा काम कर रहा है, बट एक सेक्शन में कानून कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, या फिर मतलब एक सेक्शन को नुकसान पहुँचाने लगता है। तो उस कंडीशन में जब लोग स्ट्रांगली डिसएग्री हो जाते हैं कानून से और डिसीज़न लेते हैं कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ को उठाएंगे, उसको हम लोग डिसेंट कहते हैं, उस कंडीशन को हम लोग डिसेंट कहते हैं। चलिए डिसेंट इसी को कहते हैं जब भी गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाती है और वो लॉ किसी न किसी रूप से अगर किसी एक ग्रुप को नुकसान पहुंचा रही हो तो उस कंडीशन में लोग अपनी आवाज़ को उठाते हैं, तो उस आवाज़ को हम लोग डिसेंट कहते हैं। तो डिसेंट अलाउज द पीपल टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी में, सिर्फ डेमोक्रेसी में ही ये हमें सुविधा है कि हम गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस लॉज के अगेंस्ट में हम लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। इट एनेबल्स देम टू चैलेंज एनी लॉ और पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। ये हमें गवर्नमेंट, ये हमें मैंने फैसिलिटी दे रखा है कि हम गवर्नमेंट के लॉ के अगेंस्ट में हम चैलेंज कर सके और हम अपने बात को रख सके। दैट इज़ नॉट शूटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब कोई भी कानून अगर लोगों के वेलफेयर के अगेंस्ट जा रहा है तो हम लोग उसके अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। एंड इट कैन बी चेंज्ड और स्टॉप्ड और रिजेक्टेड। अब इसके बाद ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट फिर अब कंसिडर करेगी कि उस कानून को रखना है, चेंज करना है या बंद कर देना है। छोटा सा एग्जाम्पल है इस कंडीशन में कि भाई सॉल्ट सत्याग्रह, ये सॉल्ट सत्याग्रह और दांडी मार्च हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी ने 1930 में लॉन्च किया था, तो ये एक तरह का प्रोटेस्ट था अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ इम्पोज बाय द ब्रिटिश। उस समय का कंडीशन क्या था, ब्रिटिशर्स के पास ये सारी सुविधा थी कि भाई नमक हम बनाएंगे और हम इंडियंस को नमक ब्रिटिशर्स से खरीदना पड़ेगा, जबकि नमक हर वहाँ के लोग जो भी तटीय क्षेत्र में रहते, कोस्टलाइन एरिया में रहते, वो लोग नमक खुद बनाते थे और वो लोग बेचते थे, ये उनके लिए एक रोज़गार का अवसर भी था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपने मोनोपोली को यूज़ किया और लोगों को मना कर दिया कि भाई आप लोग अलाउड नहीं हो, आप लोग को हमसे ख़रीदना होगा।
उन्होंने एक कानून बनाया था, नमक का कानून था कि भाई ब्रिटिशर्स के ही नमक को आपको खरीदना है और आप नमक नहीं बना सकते हो। तो गांधी जी ने इस कानून के अगेंस्ट में डांडी मार्च यात्रा की थी, साबरमती आश्रम से डांडी मार्च तक गए थे, लगभग 230 किलोमीटर गए थे, पैदल गए थे और हज़ारों लोग उनके साथ जुड़ गए थे। तो 1930 में ये हुआ था। तो यही है, द सॉल्ट लॉ मेड द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉल्ट ऑन ए मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश। यहाँ पर ब्रिटिश का अपना मोनोपोली था एंड इट वॉज हर्टिंग द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया एज दे कांट प्रिपेयर सॉल्ट। और ये लोगों को कष्ट पहुंचा रहा था कि भाई वो का नमक नहीं बना सकते। एज वेल एज दे हैव टू बाई द सॉल्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, और साथ ही साथ उन्हें ब्रिटिशर से नमक भी खरीदना पड़ता था। गांधी जी ने इस चीज़ को देखा और 12 मार्च 1930 को अपने 78 फॉलोअर्स के साथ साबरमती आश्रम से डांडी तक उन्होंने पदयात्रा की और लाखों लोग जुड़े। और 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक अपने हाथ में मुट्ठी भर नमक उठाया और इस नमक के कानून को तोड़ कर दिखाया और ब्रिटिशर्स को ये एक्सेप्ट करना पड़ा। देख, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारे डेमोक्रेसी में ये प्रावधान है कि अगर हमारे साथ कोई कानून गलत कर रहा हो तो हम उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठा सकते हैं। गांधी जी ने इस चीज़ को प्रूव करके दिखा दिया था आज से कितने साल पहले, 1930 में। चलिए नेक्स्ट है, एक और इसी तरह का टॉपिक है कि भाई एंटी लिकर कैंपेन। ये हम लोग सभी को जानते हैं, अल्कोहलिज्म जो है, शराब जो है, बहुत ही ख़राब चीज़ है। ये लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा पैकेज है, मगर इसका नुकसान जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनके साथ नहीं, उनके परिवार को उठाना पड़ता है। अल्कोहलिज्म और द एडिक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस इज वन ऑफ द मेजर चैलेंज फेसिंग इंडिया टुडे। जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। इट टेक्स अ टेरिबल टॉल ऑन द सोसाइटी एंड इट इज नॉट ओनली इफेक्ट ऑन द मेंटल एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द विक्टिम बट ऑल्सो अफेक्ट द एंटायर फैमिली ओवर टाइम। जाहिर सी बात है, सिर्फ उस व्यक्ति तक ये नुकसान नहीं रहते, ये पूरे फैमिली को नष्ट कर देता है। अल्कोहलिक एडिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई रेट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। जाहिर सी बात है, डोमेस्टिक वायलेंस का सबसे बड़ा कारण अल्कोहलिज्म ही होता है इन आवर कंट्री। सो एंटी लिक्वर मूवमेंट हैव बिन लॉन्च इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। भाई भारत की आज़ादी के बाद से एंटी लिक्वर मूवमेंट्स, मतलब शराब के विरुद्ध में आंदोलन बहुत जगह हुए हैं। खासकर सबसे पहले यह आंदोलन हुआ 1991 में, जो एक महिलाओं का एक ग्रुप जो नेल्लोर में थी, आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में, इन लोगों ने इस आंदोलन की शुरुआत की और इन लोगों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि भाई ये शराब ही बंद कर दो हमारे राज्य में बेचने के लिए। अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट को शराब बंद करना पड़ा, शट डाउन द लोकल लिक्वर शॉप, और उन्हें ये शराब का ही पूरा का पूरा बंद ही करना पड़ा, शराब बंद करना पड़ा उनके राज्य में। तो ये शराब चूँकि उस वो क्या, हर राज्य के लिए एक कमाई का बहुत बड़ा साधन होता है, लेकिन ये शराब की वजह से जब लोगों का घर नष्ट होता है तो लोग उसके विरुद्ध में आवाज़ उठा सकते हैं और ये आवाज़ सरकार को सुनना पड़ेगा। हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में महिलाओं के एक ग्रुप ने जब ये आवाज़ उठाई तो आंध्र प्रदेश की सरकार को शराब को पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश में बंद करना पड़ा। इससे उनको ह्यूज लॉस हुआ रेवेन्यू में, लेकिन ये 1995 में सरकार ने शराबबंदी पूरी तरीके से लागू कर दी। लॉस हुआ, लेकिन ये लॉस लोगों के कल्याण के सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए सरकार इस तरह के फैसले ले सकती है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे, हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे बिहार, गुजरात, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, ये सब ऐसे हैं जहाँ पर अल्कोहलिक सेलिंग पूरी तरीके से बंद है। तो ऑफकोर्स इससे सरकार को कमाई होती है, मगर जहाँ पर लोगों की भलाई की बात हो वहाँ पर कमाई को देखा नहीं जा सकता है। हमने ये चीज़ देखा इस चैप्टर में कि डेमोक्रेसी हमें ये सारी सुविधाएं देती है कि भाई अगर लोगों के भलाई की बात हो तो भाई सारे कानून, सारे चीज़ों को अलग ढंग से देखना ज़रूरी है। ये हमने देखा बेसिकली इक्वलिटी किस तरीके से, डेमोक्रेसी का मुख्य उद्देश्य है समाज का कल्याण करना, इक्वलिटी लाना एंड जो पिछड़े हैं उनको खास मौका देना ताकि वो सबके साथ मिलकर काम कर सके, तभी तो देश डेवलप करेगा। चलिए बच्चों लोग, आज का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।
आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू बच्चों लोग, जय हिंद।